How to fix Realme C11, C12 and C15 headphone jack problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर. तो दोस्तों, बेसिकली इस प्रॉब्लम पे होता क्या है, आपका जो हेडफोन जैक है वो काम करना बंद हो जाते हैं. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके एयरफोन की वजह से भी हो सकते हैं. ठीक है, आपके जो वायरिंग है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर आपके डिवाइस जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा, उसको फॉलो करके देखें तो प्रॉब्लम जो है दोस्तों यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, प्रॉब्लम एयरफोन जैक का जो है वो सॉल्व हो जाते हैं. आप सिंपली इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा. ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बता दे जाऊँगा कि कैसे कैसे आपको करना है, कैसे कैसे स्टेप आपको लेना है, कैसे आपको प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करना है. ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा. चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे एयरफोन जैक का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चेक कीजिए अपने एयरफोन को. ठीक है, आपके जो हेडफोन या फिर एयरफोन है उसको चेक कीजिए, टूटा हुआ तो नहीं है. ठीक है, अगर कहीं से भी ब्रोकन डैमेज है आपके एयरफोन तो आप एक न्यू एयरफोन लेके ट्राई करके देखिए. ठीक है, चेक करके देखिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है उससे फिक्स्ड हो सकते हैं. एक बार दोस्तों मोबाइल को रिस्टार्ट करके भी आप चेक करके देखिए, उससे आपका काम बन जाना चाहिए. ठीक है, अगर सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम न्यू एयरफोन लेके तो आपका काम हो गया. ठीक है, आगे सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन दोस्तों मान लीजिए इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक बार जाइए दोस्तों अपने मोबाइल के सेटिंग पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन. ओके, नॉट दिस वन, साउंड एंड वाइब्रेशन कहाँ पे है, साउंड एंड वाइब्रेशन, तो ये रहा. तो साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाके दोस्तों आप अपने रियल साउंड टेक्नोलॉजी को एक बार ऑन कर दीजिए यहाँ पे. ठीक है, तो एयरफोन लगाने के बाद दोस्तों ये इनेबल हो जाएगा, जाके आप इनेबल कर दीजिए, तो उसके बाद चेक करके देखिए, सॉल्व हो जाना चाहिए आपका प्रॉब्लम. ठीक है, अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है. मान लीजिए दोस्तों इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक बार मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें. ठीक है, मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें. जैसे ही मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा आपका ये इशू सॉल्व हो जाना चाहिए. सॉफ्टवेयर क्रैश वगैरह वजह से दोस्तों कभी कभार इस तरह का प्रॉब्लम आ जाते हैं. ठीक है, तो एक बार सॉफ्टवेयर भी अपडेट करके देखें, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम. और दोस्तों एयरबड लेके अपना जो हेडफोन जैक है, ठीक है, आपका जो मोबाइल पे प्लग होते हैं हेडफोन यहाँ पर दोस्तों इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, जो छेद होते हैं उसको एक बार आप साफ़ करके देखिए एयरबड लेके. तो कभी कभार क्या हो जाता है, उसमें कचरा वगैरह चले जाते हैं, तो उसके वजह से प्रॉब्लम आते हैं. तो आप ये भी करके देखिए, उसके बाद एयरफोन को दोबारा से प्लग करके देखिए. ठीक है, तो बार बार दोस्तों आप दो तीन बार जो है अपने एयरफोन जैक को प्लग कीजिए, निकाल लीजिए, प्लग कीजिए, ऐसे करके देखिए. सॉल्व हो जाता है, ठीक है, नहीं होते आप सिंपली टेक्नीशियन के पास जाइए. कभी कभार दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है हार्डवेयरली आपको देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, तो सर्विस सेंटर या फिर किसी भी टेक्नीशियन के पास जाके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, क्योंकि दोस्तों कभी कभार क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह होने की वजह से डिवाइस में प्रॉब्लम वगैरह आ जाते हैं. ठीक है, तो आपको जाके सॉल्व कर लेना है. उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.